हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज दानिश खान अगेन विथ अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइबर हंटर गेम के बारे में। अब ये जो गेम है गाइस, बहुत ही अच्छा गेम है। मतलब पहले बात तो मैं एक कंफर्म कर दूं कि ये जो गेम है लॉन्च नहीं हुआ, अभी प्ले स्टोर में इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो चल रहा है। सो इसका जो बीटा वर्जन है वो फाइनली आउट हो चुका है। इसके बीटा वर्जन को आए कम से कम एक मतलब 1 वीक तो हो चुका है। सो सॉरी यार गाइस, मैं थोड़ा वीडियो लेट बना रहा हूँ। तो मैं आपको आज की जो बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इसके जो बीटा वर्जन है उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस, इसमें वाला लफड़ा नहीं है कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह कि ये जो गेम में मतलब वीपीएन लगेगा, इसको वीपीएन से कनेक्ट करके खेलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको गेम डाउनलोड करना है और प्ले करना है। क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में आपको पता है कि जो मतलब सर्वर कनेक्ट करना पड़ता है वीपीएन से, उसके बाद प्ले होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप बड़ी आसानी से इस गेम को सीधा डाउनलोड करके अपने फ़ोन में खेल सकते हो। और ये जो गेम है, मुझे ऐसा लगता है कि पबजी और फोर्टनाइट को पीछे छोड़ देगा। क्योंकि इस गेम के जो ग्राफिक है गाइस, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, गेम की ग्राफिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया पर्सनली। आपको इस गेम की ग्राफिक कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस, इससे मुझे ऐसा लगता है कि फोर्टनाइट को पक्का ही पीछे छोड़ देगा। गेम तो वाकई में बहुत अच्छा है, इसके फीचर भी आप देख सकते हो, मतलब एक तरीके से एडवांस, मतलब जो टेक्नोलॉजी रहती है उसका इस गेम में यूज़ किया गया है। जो एडवांस गन रहती है उसका भी यूज़ किया गया है, उसके साथ साथ अच्छी अच्छी गन भी आपको दी गई है यहाँ पर। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से इसके जो बीटा वर्जन है उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, मेरा नाम है दानिश खान, आप देख रहे हैं दानिश किंग स्टूडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपको चले जाना है अपने ब्राउज़र में, या कोई भी अच्छे से ब्राउज़र में चले जाइए। तो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सर्च करना है एपीके प्योर एपीके, और आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट में चले जाना है। जैसे ही आप फर्स्ट वाली वेबसाइट में जाओगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा डाउनलोड एपीके का ऑप्शन। वहाँ से आप एपीके प्योर का जो एपीके है उसे डाउनलोड कर सकते हो। सो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, और आपको डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इस एपीके को ओपन कर लेना है। तो देखिए, जैसे ही ओपन होता है तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है साइबर हंटर। सो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ साइबर हंटर, और 1 सेकेंड। ओके, सो जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको जो फर्स्ट वाला गेम दिख रहा है साइबर हंटर लिखा है जिसमें, सो आपको उसमें क्लिक करना है। सो मैं आपको अच्छे से एक तरीके से मतलब उसका जो आइकन है वो दिखा देता हूँ। तो नेट मेरा स्लो चल रहा है व्हाट्सएप की वजह से, कि इसमें बहुत सारे मैसेज आते जा रहे हैं, तो पूरा डेटा वहाँ जा रहा है, एपीके वेयर में आ ही नहीं रहा है। सो आप देखिए, धीरे धीरे लोड हो रहा है। सो जो फर्स्ट वाला है उसका मैं आपको आइकन दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का आइकन दिखेगा। आपको जाना है इसके अंदर, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंस्टॉल का ऑप्शन। सो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब ये देखिए रहा है डाउनलोड का ऑप्शन, और जो गेम है वो 1.5 GB का है, 1.59। देखिए, मैं भी से डाउनलोड कर रहा था तो मेरा 21% कंप्लीट हुआ है, क्योंकि मेरे को उतना डेटा नहीं मिलता है, मुझे 1.5 GB मिलता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाउनलोड करता हूँ किसी भी गेम को। सो 21% मेरा डाउनलोड हुआ है। देखिए आप, 1.5 GB का गेम है और बहुत ही अच्छा गेम है गाइस, आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें जो आगे की प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के बारे में, कि आपको किस तरीके से एक्स एपीके को करना पड़ता है डीकम्प्रेस, तो आप प्ले स्टोर में जाकर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए जो कि एक फाइल मैनेजर है, उसका नाम है ZArchiver। उसे ओपन कर लीजिए, ये रही ZArchiver एप्लीकेशन। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपका पहले से होगा ZArchiver। उसके बाद आपने जहाँ पर भी डाउनलोड करके रखा है, अगर आपने एपीके पे उसको डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए, तो मैं आपको दूसरे गेम में बताने वाला हूँ, उस पर क्लिक कीजिए, वी पर क्लिक कीजिए, और आप इसके अंदर जाएंगे तो जो एपीके आप पहले से इंस्टॉल कर लीजिए ओपन करके। सो मेरे पास ये डाउनलोड नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको दूसरे फाइल में बता रहा हूँ, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। जो एंड्रॉयड का फोल्डर है उसे आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप बैक आइए और होम स्क्रीन में आके आप इसे पेस्ट कर दीजिए। सो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो गेम है ये साइबर हंटर नहीं है, लेकिन इसमें भी वही प्रोसेस है जो साइबर हंटर में। तो मैं आपको बता दिया, आपको बस व्यू करना है, एपीके इंस्टॉल करना है, उसका जो फोल्डर है उसको होम स्क्रीन में आके पेस्ट कर देना है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए जाना है ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, स्टे वॉच, स्टे सब्सक्राइब।